नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में फोर वेक्टर फॉर्मूलेशन के अंतर्गत लॉरेंज फोर्स फॉर्म के चतुर्विम रूप के बारे में जानेंगे। अर्थात इस आज के लेक्चर में हम चतुर्विम बल का लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप ज्ञात करेंगे। हम अपने पिछले लेक्चर्स में चतुर्विम बल के बारे में पढ़ चुके हैं तथा उसका रूपांतरण भी हमने समझा था। आज हम लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप जानेंगे। किसी आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान F इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी द्वारा दिया जाता है, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं के अध्ययन से जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण एक साथ विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है, जो कि कण के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब हम इस समीकरण के दोनों ओर गामा यू से गुणा करते हैं, जिसका कि मान √1 - √1 - u² / c² से दिया जाता है। तो जब हम गामा यू से इस समीकरण के दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गामा यू dp/dt = क्यू इंटू आयोटा सी गामा यू इंटू माइनस आयोटा ई ओवर सी प्लस गामा यू यू क्रॉस बी मिलता है, जहां यू हमने कण का वेग एज्यूम किया है। डी टी अपॉन गामा यू के स्थान पर हम यहां पर डी टॉ, जो कि उचित समय अंतराल है, को प्रयुक्त कर सकते हैं तथा यहाँ पर आयोटा सी गामा यू यह यू फोर अर्थात चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक है और इसी प्रकार से गामा यू यू वेक्टर के स्थान पर हम कण के चतुर्विम वेग के प्रथम तीन कार्तीय घटकों को यू वेक्टर से लिख सकते हैं, जो कि क्रमशः यू एक्स यू वाई यू जेड से दिए जाएंगे। तो ये जो समीकरण एक अभी हमने प्राप्त की है, इससे हम केवल चतुर्विम बल के प्रथम तीन घटक ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में हमें संवेग पी वेक्टर के तीन कार्तीय घटक पी एक्स पी वाई पी जेड ही प्राप्त होंगे। अब हम चतुर्विम बल के चतुर्थ घटक का मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम P4 = dP4/dτ द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां P4 चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक है, जो कि आयोटा E/c से दिया जाता है। यहां पर E एनर्जी के लिए हमने यूज किया है संवेग के चतुर्थ घटक में। इस समीकरण के द्वारा हम F4 का मान ज्ञात करेंगे। जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रति सेकंड उस पर किए गए कार्य का मान dE ऊर्जा/dt से दिया जाता है और यहां पर किए गए कार्य का मान F.U से दिया जाएगा और F के स्थान पर हमने यहाँ पर QE प्रयुक्त किया है। अब इस समीकरण के दोनों ओर जब हम गामा U से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गामा U
डी ओवर डी टी ऑफ आयोटा ई ओवर सी का मान क्यू इंटू गामा यू यू वैक्टर ई डॉट आयोटा ई ओवर सी मिलता है। डी टी ओवर गामा यू, इसको हम डी टाउ लिख सकते हैं उचित समयांतराल, तथा आयोटा ई ओवर सी यहाँ पर एनर्जी के लिए है, यह पी फोर है, और गामा यू यू वेक्टर इसको हम कैपिटल यू वेक्टर से लिख सकते हैं, जो कि चतुर्भुज वेग का प्रथम तीन घटक यहाँ पर हमें प्रदान करेगा, और आयोटा ई ओवर सी यहाँ पर ई जो है वह विद्युत क्षेत्र का मान है। इस प्रकार से डी पी फोर ओवर डी टाउ यह एफ फोर होगा, और हम इस ब्रैकेट में यहाँ पर यू वेक्टर और ई वेक्टर का जब डॉट गुणनफल लेते हैं तो उससे हमें तीन घटक मिलेंगे, जो कि यू एक्स ई एक्स यू ई वाई यू जेड ई जेड के रूप में मिलेंगे, जहाँ यू एक्स यू वाई यू जेड कैपिटल यू एक्स यू वाई यू जेड को हमने यहाँ पर यू वन यू टू यू थ्री द्वारा व्यक्त किया है, और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के हमें तीन घटक ई एक्स ई वाई ई जेड से तीन घटक मिलते हैं। इस प्रकार हमें जो ये समीकरण प्राप्त होती है पी फोर के लिए, उसमें राइट हैंड साइड में क्यू इन टू यहाँ पर हमें तीन घटक प्राप्त हुए हैं, यू वन एफ फोर वन प्लस यू टू एफ फोर टू प्लस यू थ्री एफ फोर थ्री, तथा हम चतुर्थ घटक अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं जो कि प्लस यू फोर एफ फोर फोर है, जहाँ एफ फोर फोर का मान शून्य होगा, और दोनों ओर जब हम इस प्रकार से तुलना करेंगे तो हमें एफ फोर वन एफ फोर टू एफ फोर थ्री के मान ये प्राप्त होंगे, और जो समीकरण दो प्राप्त हुई है अभी हमें, यह उपर्युक्त लिखी हुई समीकरण का टेंसर रूप है। इस प्रकार हमें ये चतुर्भुज बल का लॉरेंज बल का चतुर्थ घटक मिलता है। अब हम समीकरण एक से जब हम घटक लेते हैं, ये भी हमने समीकरण एक ज्ञात की थी, तो उससे हमें लॉरेंज बल के प्रथम तीन घटक प्राप्त होंगे। तो इसमें हम यहाँ पर ई वेक्टर के ई एक्स ई वाई ई जेड घटक लेंगे, तथा ये यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब हम क्रॉस गुणनफल लेंगे तो उससे हमें तीन घटक अलग अलग प्राप्त होंगे। तो सर्वप्रथम हम समीकरण एक का एक्स घटक लिखेंगे, फिर वाई घटक लिखेंगे, उसके पश्चात जेड घटक जब लिखेंगे तो हमें तीन समीकरण प्राप्त होंगे। तो ये हम जो प्रथम घटक ले रहे हैं जब डी पी एक्स ओवर डी टाउ, जो कि चूँकि पी एक्स इक्वल टू पी वन होता है साधारण संवेग का घटक, इसका मान हमें क्यू इंटू यू फोर, पहला ये हमने घटक लिया है माइनस आयोटा ई एक्स ओवर सी, और u क्रॉस b से हमें x घटक जब लेंगे तो हमें यू वाई बी जेड माइनस यू जेड बी वाई मिलता है, इसको हम f1 कहेंगे, जो कि हमें q इंटू यू वन एफ वन वन प्लस यू टू एफ वन टू प्लस यू थ्री एफ वन थ्री प्लस यू फोर एफ वन फोर के रूप में है। इसमें एफ वन वन का मान जीरो है, तथा एफ वन टू बी जेड है, एफ वन थ्री माइनस बी वाई है, तुलना करके हम ये देख सकते हैं, तथा एफ फोर एफ वन फोर का मान जो कि यू फोर का कोफिशियंट है वो माइनस आयोटा ई एक्स अपॉन सी है। इसी प्रकार समीकरण एक का वाई तथा जेड घटक जब हम लेते हैं तो हमें F2 व F3 के लिए अन्य समीकरण प्राप्त होंगे। इस प्रकार डी पी वाई ओवर डी टाउ, जिसे हम डी पी टू ओवर डी टाउ लिख सकते हैं, यह F2 होगा, और राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ये Y घटक लिया है, साथ में U क्रॉस B के क्रॉस गुणनफल का ये हमने Y घटक लिखा है। इस प्रकार हमें ये समीकरण चार प्राप्त होगी F2 के लिए, जो कि q इंटू यू वन एफ टू वन प्लस यू टू एफ टू टू प्लस यू थ्री एफ टू थ्री प्लस यू फोर एफ टू फोर है। उपरोक्त समीकरण में हमें
क्योंकि यहाँ पर हमें यू टू नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एफ टू टू का मान 0 होगा। इसी प्रकार समीकरण 1 के जेड घटक द्वारा हमें डी पी जेड ओवर डी टाउ मिलता है, जो कि डी पी थ्री अपॉन डी टाउ है। इसका मान क्यू इंटू यू फोर, यहाँ पर हमने ये ई वेक्टर का जेड घटक लिया है, और ये यहाँ पर हमने यू क्रॉस बी का जेड घटक लिया है। इस प्रकार से हमें जो समीकरण 5 प्राप्त होगी, उससे हमें एफ थ्री का मान प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि ये बल के अलग अलग जो घटक हैं उनके मान हमने यहाँ पर तुलना द्वारा लिखे हैं। इसमें एफ थ्री थ्री का मान 0 है। अब हम जो समीकरण हमने एफ वन से लेकर के एफ फोर तक के 4 समीकरण प्राप्त किए हैं, समीकरण 2 से 5 में, उनको हमें एक टेंसर रूप में एक सिंगल इक्वेशन से भी व्यक्त कर सकते हैं, जो कि एफ म्यू इक्वल टू डी पी म्यू अपॉन डी टाउ इक्वल टू क्यू इंटू यू न्यू एफ म्यू न्यू के तुल्य है। यहाँ पर म्यू का मान पहले हम 1 से 4 तक बारी बारी से रखते हैं, और उसके पश्चात न्यू का मान 1 से 4 तक जब हम वेरी करते हैं, तो हमें टेंसर रूप में ये उपरोक्त 4 समीकरण प्राप्त हो जाती हैं। इस समीकरण 6 में एफ म्यू न्यू को हम इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ म्यू न्यू इसको हमने 4x4 के एक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया है। इसमें अब हम बल के जो घटक मिले हैं F11, F12 आदि, अर्थात एफ म्यू न्यू के घटकों के जब हम मान रखते हैं, तो हमें एफ म्यू न्यू का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टेंसर उसके घटक प्राप्त होते हैं, जो कि यहाँ पर पंक्ति वाइज इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की फॉर्म में दर्शा रखे हैं। तो जो हमें ये समीकरण 6 प्राप्त हुई है, इसको हम लॉरेंज बल के का चतुर्विम रूप या उसका सह प्रसरण रूप अर्थात कोवेरियंस फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स द्वारा व्यक्त करते हैं।